हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। अगर अभी तक आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप बाकी वीडियो देखिए। इसमें हम माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया और वायरस को लेके आए हुए के मतलब को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज ये हमारा वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले टोटल 6 वीडियो अभी तक मैंने अपलोड कर रखा है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे अगर आप रिसर्च करते हैं तो अपनी रिसर्च को एक पेपर पे लिख के आप पब्लिश कराते हैं, और जिसके अंदर आप पब्लिश करते हैं उसे हम जर्नल कहते हैं। उसी तरह जैसे साइंस सेल है, उसी तरह एक माइक्रोबायोलॉजी की जर्नल है जिसका नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी। यह एक माइक्रोबायोलॉजी की पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल है जो कि फील्ड ऑफ माइक्रोबियल सिस्टमेटिक्स को कवर करती है। मतलब अगर आप माइक्रोबियल सिस्टमेटिक्स या इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी में वर्क करते हो तो उसको पब्लिश करने के लिए अगर आप अच्छा सा जर्नल चाहते हो तो वो जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। यह 1951 में इस्टेब्लिश हुई थी। एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी ऑन सिस्टेमेटिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ICPS। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ICPS का फुल फॉर्म। तो ICPS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमिटी ऑन सिस्टेमेटिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटीज, जिसे हम बैक्टीरियोलॉजी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन इन दोनों को रखते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटी में। द जर्नल इज द सिंगल ऑफिशियल इंटरनेशनल फोरम फॉर द पब्लिकेशन ऑफ न्यू स्पीसीज नेम्ड फॉर द प्रोकैरियोट्स। तो अगर आप प्रोकैरियोट में कोई भी नई स्पीसीज खोज रहे हो, चाहे वो बैक्टीरियोलॉजी हो या माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन हो, या इन दोनों के लिए सिंगल ऑफिशियल इंटरनेशनल फोरम निकाला गया है जो कि आपका है इंटरनेशनल कमिटी ऑन सिस्टमेटिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ICPS। इन दोनों को ICPS और माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटी, इन दोनों का जो कॉमन ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं उन दोनों को मिला के एक बनाया गया जो कि है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा कुछ यहाँ पे डिजीज है, लाइक मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फ्लुएंजा, रेस्पायरेटरी सिंसाइटियल वायरस RSV, रेस्पायरेटरी सिंसाइटियल वायरस, वूफिंग कप, ट्यूबरकुलोसिस, स्वाइन फ्लू, एडिनो वायरस एंड COVID-19। ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे, इन्फ्लुएंजा, रेस्पायरेटरी सिंसाइटियल वायरस, वूफिंग कप, ट्यूबरकुलोसिस, स्वाइन फ्लू, एडिनो वायरस या COVID-19, ये सभी के सभी वायरस कैसे फैलते हैं? ये सभी के सभी वायरस थ्रू दी कॉन्टेक्ट विथ ड्रॉपलेट फ्रॉम द नोज थोरेट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग द कफिंग और स्नीजिंग और बाई टचिंग हैंड एन ऑब्जेक्ट और सरफेस विद द वायरस ऑन इट, देन टचिंग द माउथ नोज एंड आई बिफोर हैंड वॉशिंग। मतलब कोविड के प्रोटोकॉल अगर आपको याद है तो कैसे आपका वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में 1% टू अनदर पर्सन फैलता है वो आप इजीली बता सकते हो। वो सारे वायरस जो कि हमारे रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स को मतलब इन्फेक्ट करते हैं, वो सारे वायरस, मैक्सिमम वायरस स्प्रेड भी ड्रॉपलेट के रूप में होते हैं जो नोज या थोरेट से बाहर निकलता है कफिंग और स्नीजिंग के समय,
अगर हम उसको हाथ से टच करते हैं या उस हाथ से किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं या किसी सरफेस को टच करते हैं जिसको जो इन जो कि नॉर्मल पर्सन है वह भी उसको टच करता है, और वो विदाउट हैंड वॉश अगर अपने माउथ नोज या आईज को टच करता है, तो ये हमारा जो बैक्टीरिया वायरस है डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। AIDS, डेंगी, टाइफाइड एंड मलेरिया डू नॉट स्प्रेड बाय द कफिंग एंड स्नीजिंग। पर एड्स, जिसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिससे जो बीमारी हो रही है उसका नाम है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, डेंगू जिसको हम डेंगी प्रोनोसिएट भी कर सकते हैं, डेंगी जो कि मादा एडीज जो होता है वो क्या करता है आपका फैलाने में हेल्प करता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। इन सभी के लिए कोई ना कोई वेक्टर की जरूरत है। एड्स किससे होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। डेंगू एडीज लेके जाता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी कंटामिनेटेड फूड से होता है। मलेरिया के लिए भी आपको क्या चाहिए? मॉस्किटो की जरूरत है, मादा एनोफिलीज। तो ये जो अभी तक ऊपर बात हुई, एड्स, डेंगी, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब कफिंग और स्नीजिंग से नहीं फैलता है। नीचे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ HIV को दे रखा है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इसमें से कुछ चीजें कि किंगडम हमारा यहाँ पे क्या है, पी ए पैरान व वायरी अर्थ वर वेरिकोटा क्लास रिवर ट्रा वो रेसेटीज, अपना प्रोनोसिएट करते रहेगा सही से लिख लीजिए ये अर्थेरोवायरिली, ये जरूरी है। फैमिली रेट्रोवायरिडी, जीनस लेंटीवायरस, स्पीसीज जो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये तीन चीज याद रखना, फैमिली रेट्रोवायरिडी, जीनस लेंटीवायरस, स्पीसीज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं ये कमेंट करके आप हमें बताओ। अगला पॉइंट बहुत ही सरल है कि लिपिड एनवलप कम्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल और होस्ट इन द प्रोसेस कॉल्ड बडिंग ऑफ। ड्यूरिंग द बडिंग प्रोसेस न्यूली फॉर्म्ड वायरस पार्टिकल्स बिकम इनवलप्ड और वॉर्प्ड इन एन आउटर कोट दैट इज मेड फ्रॉम द स्मॉल पीस ऑफ सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर यूजुअली कैटालिटिक और रेगुलेटरी इन नेचर एंड आर आल्सो इन्वॉल्व इन मॉडिफाइंग द होस्ट फंक्शन। जो आपका लिपिड का एक लेयर, एक इनवलप पाया जाता है किसमें? वायरस में। और ऐसे वायरस जिसमें लिपिड का इन्वेलप होता है उसे हम इन्वेलप्ड वायरस कहते हैं। यह कैटालिटिक और रेगुलेटरी दोनों नेचर का होता है और यह होस्ट के इम्यून फंक्शन को मॉडिफाई करता है। एक वीडियो में मैंने साफ साफ बताया है कि होस्ट इम्यून सिस्टम को वायरस कैसे मॉडिफाई करता है, कैसे उसे बच के निकल जाता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स दैट आर फाउंड इन वेरियंस ईदर एज अ कंपोनेंट ऑफ कैप्सिड और इनवेलप। दो तरीके के प्रोटीन हो सकते हैं, मतलब दो ही चीज पाया जाता है किसी भी बैक्टीरिया वायरस में। एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन स्ट्रक्चरल होता है, न्यूक्लिक एसिड हमारा जीनोम होता है। तो स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है वो प्रोटीन होती है जो कि कैप्सिड या इनवेलप का पार्ट हो सकता है। कैप्सिड कोट और सेल इज अ प्रोटीन सेल इज द प्रोटीन सेल कॉन्टेक्ट और डायरेक्टली सराउंडिंग द वायरल न्यूक्लिक एसिड। अगर याद हो तो इस तरह से बैक्टीरियोफाज हम बनाते हैं।
यहाँ पे हम न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड पार्ट और दैट इज अ कैप्सिड अगर इन वाला बनाना है तो इस तरह से इन वाला बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करने के लिए एक प्रोटीन की सेल होती है जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड कोर। इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस दो सब टाइप है, डिपेंड करता है कि उनके ऊपर सरफेस पे कौन से प्रोटीन है। प्रोटीन जो दो तरीके के हैं वो है हीम एग्लूटिनिन और न्यूरा मिनिडेज। मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस भी दो तरह के हो सकते हैं, एक वह इन्फ्लुएंजा वायरस जिसका जिसके प्रोटीन सरफेस प्रोटीन हीम एग्लूटिनिन है H, और दूसरा इन्फ्लुएंजा वायरस जिसका सब प्रोटीन मतलब जो जिसका प्रोटीन सरफेस प्रोटीन जो है वो हमारा न्यूरामिनिडेज है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के भी दो सब टाइप है और ये दो सब टाइप किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोटीन पाई गई है, हीम एग्लूटिनिन या फिर न्यूरामिनिडेज। ईबीवी जिसे हम बोलते हैं इप्सियन वर वायरस, इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इससे जो होता है इसे बोलते हैं मोनो न्यूक्लियोसिस, ऑल्सो एसोसिएटेड विद द वेरियस नॉन मेलिग्नेंट प्री मेलिग्नेंट मेलिग्नेंट ईबीवी एसोसिएटेड लिम्फो प्रोलिफेरेटिव डिजीज सच एज द बर्किट लाइफो लिम्फोमा। याद कर लेना, बर्किट लिम्फोमा किससे होता है, ई बी वी इप्सन बर वायरस, टी साइलेंट इप्सन बर वायरस, और बर्किट लिम्फोमा होता है, मोनो न्यूक्लियोसिस कहलाता है। इसके अलावा एक वायरस है एच पी वी ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस, यह एक डीएनए वायरस है। इन्फेक्शन कॉजेज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ सर्वेक्स प्यूला वेजाइना पेनिस एनस माउथ टॉन्सिल थॉरिट। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से क्या क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस होते हैं किसमें, सर्वेक्स प्यूला वेजाइना पेनिस माउथ एनस टॉन्सिल थॉरिट। एक होता है हमारा ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1 HTLV1, यह एक रेट्रोवायरल है, यह क्या है, यह एक रेट्रोवायरल है। इसमें क्या होता है हमारा टी सेल इफेक्ट होता है। जब यह हमारा HTLV-A से हम अगर मतलब इन्फेक्टेड हैं तो इसमें कभी कभी सिंपल मतलब नो सेप्टम्स एसेप्टोमेटिक होता है। ये सम अफेक्टेड पीपल में लेटर डेवलप अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया ATL और HTLV-1 एसोसिएटेड माइलोपैथी या ट्रॉपिकल स्पेस्टिक पैरा पैरेसिस और अदर कंडीशन। सबसे इसमें पॉइंट्स क्या याद रखना है कि HTLV-A ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1, यह एक रेट्रोवायरल है, रेट्रोवायरस है और यह टी सेल से एसोसिएटेड है, टी सेल के मतलब इन्फेक्शन ऑफ टी सेल, बट यह कोई भी सिम्पटम्स शो नहीं करता है, इसलिए हम इसे डायग्नोस्ट इतनी जल्दी नहीं कर सकते। ये क्या करता है, टी सेल के इन्फेक्ट करके टी सेल के अंदर रहता है, बाद में टी सेल को मतलब बाद में जब यह लेटर स्टेज बाद का जो स्टेज है वह अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया के रूप में हमें दिखाई देता है। और HTLV-1 से एसोसिएटेड जो बीमारी है उसे बोलते हैं माइलोमा माइलोपैथी ट्रॉपिकल स्पेस्टिक पैरा पैरेसिस।
जो HIV होती है यह सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस इन्वॉल्वड RNA वायरस है जो कि एड्स को कॉज करता है। एक और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, दैट इज अ जीका वायरस। याद रखना जीका वायरस जो होती है हमारा डे टाइम एक्टिव एडीज मॉस्किटो से फैलता है, सच एज अ एडीज एजिप्टी और एडीज अल्ब्यूपेक्टस। सबसे पहले 1947 में जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा से इसे आइसोलेट किया गया था। जीका कैन स्प्रेड फ्रॉम द प्रेग्नेंट पर्सन टू देयर बेबी। मत अब यहाँ पे एक टर्म याद रखो कि अगर किसी फीमेल बॉडी मतलब प्रेग्नेंट माँ से बेबी के पास कोई भी डिजीज जा रहा है तो उसे बोलते हैं कॉन्जेनाइटल ट्रांसफर। कॉन्जेनाइटल ट्रांसफर टर्म यूज किया जाता है जब कोई भी बेबी मम्मी से बेबी के पास आ रहा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जीका वायरस से जो रीजन मतलब जो होता है उसे बोलते हैं माइक्रोसिफेलल, ब्रेन छोटा, सीवियर ब्रेन मल फॉर्मेशंस एंड अदर बर्थ डिफेक्ट। अगर कोई फीमेल है जिसको जीका वायरस मतलब उसकी प्रेगनेंसी में अगर जीका वायरस है वो इन्फेक्टेड है तो बेबी में क्या क्या हो सकता है, ब्रेन छोटा हो सकता है जिसे हम माइक्रोसेफेलियल कहते हैं, या हमारा सीवियर ब्रेन मल फॉर्मेशन मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट में कुछ कमी हो सकता है, और इसी के साथ साथ अदर बर्थ डिफेक्ट भी हो सकते हैं। इट इज इनवल्व्ड एंड आइकोसाहाइड्रल एंड हैज अ नॉन सेगमेंटेड सिंगल स्टैंडर्ड 10 किलोबेस पॉजिटिव सेंस आरएनए जीनोम। जीका वायरस के का क्या खास बात है कि यह इनवॉल्व होता है मतलब एक इनके पास लिपिड की लेयर होती है, आइकोसाहाइड्रल होता है, नॉन सिगमेंटेड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होती है, 10 किलोबेस पेयर की पॉजिटिव सेंस आरएनए जीनोम होता है। दूसरा एक है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस SIV या स्वाइन ओरिजिन इन्फ्लुएंजा वायरस SOIV। रिफर्स टू एनी स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा फैमिली ऑफ अ वायरस दैट इज इंडेमिक इन पिग। पिग में जो पाया जाता है उसे बोलते हैं स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस SIV या स्वाइन ओरिजिन इन्फ्लुएंजा वायरस। 2009 में देखा गया कि SIV स्ट्रेन इंक्लूड द इन्फ्लुएंजा सी सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए नोन एज H1N1, H1N2, H2N1, H3N1, H2N3। सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा ए के भी देखो कितने सब टाइप्स हैं, H1N1, H2N2, H2N1, H3N1, H2N3। और ये H और N का क्या मतलब है, ऊपर ही मैंने बताया है। H का मतलब है आपका हीम एग्लुटिनिन और N का मतलब है न्यूरामिनिडेज। तो अब याद हो गया कि H1N1 हम क्यों बोलते हैं, हीम एग्लुटिनिन न्यूरामिनिडेज के लिए हम H1, H और N यूज करते हैं। H1N1 मतलब एक एक यूनिट, H1N2 मतलब दो यूनिट N का, H2 का मतलब हीम एग्लुटिनिन का 2 और N का 1, H का 3 और N का 1 और H का 2 और N का 3। HBB लाइफ साइकिल इज यूनिक इन दैट द जीनोमिक डीएनए जिसे हम रिलैक्स्ड सर्कुलर पार्शियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए या RCDNA कहते हैं इज कन्वर्टेड टू द मॉलिक्यूलर टेम्पलेट डीएनए कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए टू एम्पलीफाई द वायरल आरएनए इंटरमीडिएट विच इज देन रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड इनटू द वायरल डीएनए। HBV जो है HBV इनका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही यूनिक है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर RCDNA CCC DNA में बदल जाता है, उसके बाद CCC DNA से RNA मतलब इंटरमीडिएट RNA इंटरमीडिएट एम्पलीफाई होता है और वो फिर से हमारा वायरल DNA बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। मतलब कि RCDNA क्या होता है, रिलैक्स्ड सर्कुलर पार्शियली डबल स्टैंडर्ड DNA, इससे हमारा बनता है कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर DNA। ये जो बना
इसको एज अ टेम्पलेट यूज करके हमारा वायरल आरएनए इंटरमीडिएट जो है एम्पलीफाई होगा, और इससे जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या वायरल डीएनए बनता है। अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं पुराने वाले, जाके देखो, बहुत ही ज्यादा तुम्हारा बेट गेट सभी भी एग्जाम में, जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो गेट हो, बेट हो, नेट हो, हर जगह ये काम आने वाला है। अगर गेट की तैयारी करो तो गेट लाइफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी में ये काम आने वाला है। तो जाओ वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, PYQ देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।